आज देखिए मैंने ओरियो बिस्किट से चॉकलेट मोदक बनाए हैं और इसे बिना गैस चलाए मैंने बनाया है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं आकांक्षा, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद आकांक्षा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक मोदक कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं ओरियो मोदक। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं। बिस्किट के पैकेट को हम ओपन करेंगे और सारे बिस्किट्स को एक बाउल में निकाल लेंगे। बिस्किट से हमें क्रीम को अलग करना है। अब देखिए हम बिस्किट को ओपन करेंगे और बिस्किट की क्रीम जो है वो हम एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे बिस्किट की क्रीम को देखिए हमने रिमूव कर लिया है और सारे बिस्किट्स को हम तोड़ लेंगे। इसको हमें छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और अब हम इसे इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। मिक्सी में हमने देखिए बिस्किट को डाल दिया है और इसका हम अब एक पाउडर बना लेंगे। अब देखिए हमारा पाउडर बिस्किट का बनकर तैयार हो गया है और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये जो बिस्किट की हमारी व्हाइट क्रीम है उसमें मैं 4 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डालूंगी। अब देखिए हमने इसमें कोकोनट डाल दिया है। इसके साथ में जो हमारा ब्राउन वाला बिस्किट का पाउडर है उसमें मैंने 2 टीस्पून मिल्क डाला है और व्हाइट वाली क्रीम में हमने 1 टीस्पून मिल्क डाला है। अब हम इसका एक डो लगाएंगे। देखिए अब देखिए इसका डो हमारा अच्छी तरीके से लग गया है। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है जिससे इसमें बहुत अच्छी शाइन आएगी और बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा। अब देखिए हम इसका डो बना के एक साइड रख लेंगे। व्हाइट वाली क्रीम का भी हम देखिए इसी तरीके से एक डो तैयार कर लेंगे और अच्छे से कोकोनट को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमारा क्रीम का डो रेडी हो गया है और अब देखिए हमने एक मोल्ड लिया है, उसमें हमने देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। पहले हम इसमें ये ब्राउन वाला पार्ट जो है अच्छी तरीके से फिल करेंगे। दोनों ही तरफ अच्छी तरीके से हमें इसे फिल करना है। अब देखिए इसको हम बंद कर लेंगे और एक उंगली के हेल्प से बीच में हम इसमें थोड़ा सा जो व्हाइट वाला क्रीम का हमारा मटेरियल है वो हम इस पोर्शन में फिल करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसमें दबाते हुए अच्छी तरीके से इसे फिल करेंगे और ऊपर से हम इसमें ब्राउन वाला ओरियो बिस्किट का पार्ट जो है वो लगा देंगे। अब देखिए हमारा चॉकलेट मोदक बनके तैयार हो गया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा ओरियो बिस्किट से मोदक बना है। और ये नो गैस रेसिपी है जिसे बिना कुक करे आप इजीली आसानी से बना सकते हैं। ऊपर से हमने देखिए इसमें सिल्वर वर्क लगा दिया है ताकि हमारा मोदक और अच्छा लगे और ऊपर से मैंने इसके ऊपर गोल्डन ईडिबल बॉल्स लगाई हैं। अब देख सकते हैं हमारा चॉकलेट ओरियो बिस्किट का मोदक कितना बढ़िया लग रहा है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरियो बिस्किट से बना ये मोदक सबको बहुत ही पसंद आएगा। अब देखिए सारे मोदक हमारे देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं ये और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। मैं एक मोदक देखिए आपको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने फिलिंग करी है वो कितनी अच्छी लग रही है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।